नमस्कार, ये उपेन मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से, और मैं उनका प्रतिनिधि होकर के मैं अपने घर से ही आज बता रहा हूँ। कारण कि इन दिनों ये स्टूडियो बंद है और बहुत सारी चीज़ें रुकी पड़ी हुई हैं और मेरे लिए भी जाना संभव नहीं है। तो आज मैं जो नया साल वर्ष लगने 24 दिन 2020 को जो शुरू हुआ और चैत्र नवरात्रि बुधवार को पड़ा, शुक्ल पक्ष एक बुधवार से शुरू हुआ, इसलिए बुधवार जो है ये हमारे नया संवत जो शुरू हुआ उस दिन से 2077, इसका नाम है प्रमादी। तो बुद्ध राजा हुए और इस वर्ष के इस 20,000 जो 77 है, जो संवत है 2077, इसके स्वामी है बुद्ध। बुद्ध व्यवसाय को बोलते हैं, व्यापारी को बोलते हैं। लिहाजा जिन किन प्रकार ना व्यवसायी लोग आगे जरूर बढ़ेंगे, उसका एक कारण बता रहा हूं, बड़ा कारण ये बुध नया जो संवत्सर शुरू हुआ उसके अष्टम भाव में पड़ा हुआ है, मृत्यु के घर में पड़ा हुआ है। तो जिसमें ये संवत शुरू हुआ, ये बुध मृत्यु के घर में पड़ा हुआ था, व्यापारी लोगों की हालत खराब, दिक्कत, परेशानी, झंझट, काम बंद, लॉकडाउन वगैरह वगैरह जो चल रहा है अभी आप देख रहे हैं। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग इसके अंदर में है कि ये बुध वर्गोत्तम है, तो जो ग्रह बलि होते हैं वो शुभ होते हैं, ये मैं बराबर बोल चुका हूं। कुछ फंडामेंटल्स रूल्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, तो ठीक है ये वर्गोत्तम है तो व्यापारी लोग अंततः सुखी होंगे, अंततः सुखी होंगे। अब इसको मैं दूसरे ढंग से भी प्रूफ करता हूं, बोल रहा हूं। सेकंड लॉर्ड सूरज है और सूरज वर्ष लग्न के जो नंबर है वो 4 नंबर, उसके स्वामी चंद्रमा। तो लग्नेश चंद्रमा के साथ द्वितीय सेकंड लॉर्ड, धन के लॉर्ड, प्रॉपर्टी के लॉर्ड, समृद्धि के लॉर्ड सूरज एक साथ है, सूरज और बुध, सूरज और चंद्रमा। तो फाइनेंस ऑफ द कंट्री, यहां पर सूरज फाइनेंस हुए और चंद्रमा कंट्री हुआ, भारतवर्ष हुए। तो भारतवर्ष का जो फाइनेंस है वो 12 नंबर में, 9th हाउस में आ गए। स्थिति प्रारंभिक अवस्था में ये कमजोर रहेगा, लेकिन फिर ये फाइनेंस भी बिल्कुल सही ढंग से आगे बढ़ेगा और भारत वर्ष विल रिकवर। यद्यपि यहाँ पर सबसे कम अष्टवर्गक पॉइंट है, सबसे कम अष्टवर्गक पॉइंट है 20 नंबर है, यहाँ पर पड़ रहा है अभी फिलहाल। तो ये जो सेकंड लॉर्ड है सूरज, यहां पर पॉइंट अष्टक पर पॉइंट हमने लिखा है, थोड़ी सी मैं नहीं बताया हूं लेकिन आप समझ लेंगे जरूर। तो सूरज चूंकि अपने जगह से 9th हाउस में चले गए हैं, यहां से सेकंड लॉर्ड इन 9th, लग्न लॉर्ड इन 9th, लक को बोलते हैं, लग्न लॉर्ड इन 9th किसी बच्चे का हो तो लड़का भाग्यशाली है। भारतवर्ष का जो नया साल शुरू हुआ उसका लग्न 4 और 9th में आ गया, तो भारतवर्ष लकी है, भाग्यशाली है। लेकिन चूंकि हमेशा ये अमावस्या को ही नया साल शुरू होता है, जब चैत्र शुक्ल एक होते हैं तो अमावस्या के बाद से शुक्ल पक्ष का एक होता है, तो
अमूमन चंद्रमा अस्त होते हैं, जले हुए रहते हैं या पावरलेस रहते हैं। ये स्थिति चंद्रमा की है, लेकिन फिर भी लग्न लॉर्ड इन नाइन गिव्स लक, और ये 12 नंबर में है। 12 नंबर नॉर्थ को भी बोलते हैं, तो उत्तर दिशा से विशेष लाभ की बात है। भारतवर्ष से उत्तर चूंकि लग्न जो नए वर्ष का जो लग्न है नव वर्ष, नव वर्ष का जो लग्न है उसका स्ट्रेंथ है 29, 29। इसमें बल है, सो लग्न इज बली। तो नेचुरली लग्न इज बली, देन लग्नेश इज पार्शियली बली। हाथी मरता भी है तो 9 लाख का। तो चंद्रमा अपने आप में प्लेसमेंट के हिसाब से 9th हाउस में जाने के कारण बली है, लेकिन चूंकि ये चंद्रमा राइट साइड में है, ऐसे यदि देखूं तब तो बाएं साइड में है या डे साइड में है। इसको यदि हम लोग ऐसे खींच दें तो ये डे हुआ, ये नाइट हुआ, तो चंद्रमा फिर से कमजोर हो गया। तो चंद्रमा थोड़ा कमजोर है, भारतवर्ष की स्थिति थोड़ी डगमग करती हुई रहेगी, लेकिन फाइनेंस निश्चित रूप से इंक्रीज करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कारण कि चंद्रमा और शुक्र के जो डिस्पोजिटर है वो गुरु है, और गुरु नववर्ष के समय में अपने मूल त्रिकोण में थे यहां, और बल यहां ऑलरेडी 30 है, और केतु इज ए मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इट इज अ के इज इक्वल टू, इट इज अ फैक्टर के इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 4। तो मूल त्रिकोण में यदि 75 पैसा बल है गुरु को, इसको चौगुना कर दिया, 300% स्ट्रॉन्ग कर दिया गुरु को। और गुरु वर्गोत्तम भी है, गुरु वर्गोत्तम भी है, लिहाजा भारतवर्ष के जो लग्नेश हैं उनके जो डिस्पोजिटर हैं वो अपने जगह से 7, 8, 9, 10 कर्म के घर में आ गए, कर्म के घर में आ गए। वर्गोत्तम भी हैं, केतु के कारण उनमें बल भी बहुत आ गया, और ये रोग का भी स्थान है। तो भारतवर्ष के द्वारा रोग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की जाएगी, चाहे वैक्सीन को खोज निकाले हमारे साइंटिस्ट या कोई नई चीज बना रहे हो, लेकिन ये पूरे दुनिया का सिरमौर बन जाएगा इंडिया इस गुरु के कारण, जिसमें ये गुरु थे। यहाँ नव वर्ष जब शुरू हुआ तो गुरु यहीं पर थे। अब ये गुरु केतु के साथ है, मैंने पहले भी कहा है केतु मीन्स जर्म्स। तो जैसे भगवान राम जब तीर छोड़ते थे तो वो अनेकों रूप में प्रकट होकर के असंख्य बदल जाता था। ये सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूं, ये एस्ट्रोलॉजी के शब्द नहीं है। ये ठीक उसी तरह से जब पेट में जर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, तो एक तो नहीं होता है, थ्रेड वर्म होते हैं पेट में तो बहुत होते हैं। तो ये गुरु मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये गुरु संधि में भी पहुंच रहे हैं, 0 डिग्री में जब पहुंचेंगे यहां पर, ये अब तो ऑलरेडी आ चुके हैं यहां, तो मैं मार्च की बात बोल रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में ये सत्य है कि भारतवर्ष अभी जो रिसर्च के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उसमें कुछ अद्भुत उपलब्धि होगी, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। अब चाहे ये कैंसर की दवा खोज लें, वैक्सीन खोज लें, या जो प्रेजेंट महामारी चल रही है उसकी दवा खोज लें,
या इससे ऊपर भी कुछ होने वाली चीजों के ऊपर भी इनका वर्चस्व हो जाए, भारतवर्ष स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ेगा तो गाड़ेगा, ये तय है। और क्योंकि लग्नेश और सेकंड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है तो इकोनॉमी भी बिल्कुल ऊपर उठेगी। अब जो डिस्पोजिटर है नाइन्थ हाउस के, भाग्य के, भारतवर्ष के भाग्य के जो डिस्पोजिटर है गुरु, मैंने कहा कि वो लगभग 300% स्ट्रांग है। और अब इनकी दृष्टि देखें हम लोग, जो मूल दृष्टि है एक दो तीन चार पांच, पंचम दृष्टि गुरु की 100% की दृष्टि होती है, सम सप्तक के समान 100% जैसे दृष्टि होती है, पंचम भाव में भी उतनी ही दृष्टि के बल होती है। तो ये 10th हाउस को, 9 वर्ष का जो 10th हाउस है, इसमें गुरु बहुत बल डाल रहे हैं, 300% अपना बल डाल रहे हैं। और वो भाव पहले से भी बली है, जिस भाव में 24 से कम अंक है वो समझ लीजिए वो भाव थोड़ा कमजोर है, 24 से कम अंक है वो भाव कमजोर है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 30 अंक है और गुरु की पंचम दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, तो भारतवर्ष की प्रगति को कोई नहीं रोक सकेगा, भारतवर्ष प्रगति करेगा ही। अब जब मैं ये सब बात बोलता हूं तो किसी भद्रलोक ने कमेंट किया, देख लो ये तो बीजेपी में भर्ती होने वाला है। अरे हो प्रभु, ये तो एस्ट्रोलॉजिकल बात है, आप भी देख पा रहे होंगे गुरु की दृष्टि, स्थान हानि करो गुरु, स्थान हानि करो, तो ये रोग के घर में है, गुरु तो रोग को समाप्त करेगा, स्थान हानि करो गुरु रोग को खत्म करेगा, जर्म्स को खत्म करेगा, केतु को खत्म करेगा, ये तो तय है। और फिर यहां से एक दो तीन चार पांच 10th हाउस को भी इम्प्रूव करेंगे 100 पैसा से, और 30 पैसा पहले से बल है उसमें, अष्टक वर्ग में बली है, तो भारतवर्ष बिल्कुल प्रगति करेगा। और भारतवर्ष के प्रगति करने में भारतवर्ष का पूर्वीय क्षेत्र जो है, पूरब का क्षेत्र, भारतवर्ष को दो हिस्सा कर दीजिए, ऊपर से स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, द ऑल द कंट्रीज जो कलकत्ता साइड में है वो पूरब हुआ, और बॉम्बे साइड में हुआ पश्चिम है, सूरज पहले निकलते हैं कलकत्ता में और तब जाते हैं बॉम्बे में, दोनों के दूरी में 1 घंटे का समय हो जाता है। तो भारतवर्ष को ऊपर से नीचे आधा हाफ कर दें तो जो पूर्वी क्षेत्र है उन सब क्षेत्रों में कुछ खास विशेष महत्वपूर्ण बात होने वाली है, वहां कुछ होने वाला है, वहां से कुछ निकलने वाला है, वहां राइज करने वाले लोग हैं, ये सच है। अब सूरज का संबंध पृथ्वी से होता ही है, सूरज और मंगल का जब संबंध हो तो ये बहुत अच्छा नहीं माना गया है। सूरज मंगल का जब जब संबंध होता है तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, सीमांत झगड़े होते हैं, बल प्रयोग होता है, अतिक्रमण होता है, आपस में झंझट खड़े होते हैं, तो ये राजनीतिक पड़ोसियों से झगड़े, वो सारी चीजें इसमें निहित है। सूरज और मंगल का एक साथ मिलना बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, सिवा जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए, वो आदमी मजिस्ट्रेट होगा, प्रशासक होगा, डीसी होगा, ये संभव है यदि उसके दसम भाव में ये सारी चीजें हो। तो सूरज एक नंबर में आएंगे ही 13 तारीख को, 13 अप्रैल को, और मंगल की चौथी दृष्टि वहां पड़ेगी मेष राशि पर, 75% मंगल की चौथी दृष्टि वहां पड़ेगी। चौथी दृष्टि शुभ नहीं होती है और अष्टम दृष्टि भी मंगल की शुभ नहीं होती,
लिहाजा मार्च जो हमारे पाकिस्तान का भी लग्न है, हमारे पड़ोसी देश का भी लग्न है, अभी ये मंगल की दृष्टि सूरज पर पड़ेगी जो भारतीय इकोनॉमी को इंडिकेट करता है। नववर्ष में सूरज भारत के इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बढ़ता चला जा रहा है। अब उनके मन में ये रास नहीं आ रहा है भारत की तरक्की, इसलिए वो कहीं न कहीं भारतवर्ष को तंग करने के लिए जो अपनी नापाक इरादे हैं, जो छल कपट प्रपंच की जो भाषा है, वो तो जरूर चलाएंगे मंगल। और मंगल भारतवर्ष के लिए नववर्ष की कुंडली में ये योग कारक भी ग्रह है, ये योग कारक भी ग्रह। लेकिन इसके जो सप्तम दृष्टि है वो भारतवर्ष के ऊपर पड़ रहा है, मंगल का वहां पर नीच दृष्टि है, वो नीच दृष्टि है। तो पाकिस्तान अपनी नीचता भारतवर्ष के साथ निभाना चाहेगा उत्तरीय बॉर्डर के आसपास, नॉर्दर्न बॉर्डर के आसपास, जहां पर उनकी सीमा है और हमारी सीमा है। कुछ इस तरह के स्थिति बनेगी। और उसका अष्टम दृष्टि सिंह राशि पर भी पड़ेगा। सिंह राशि जो है नववर्ष की कुंडली में भारतवर्ष की इकोनॉमी को बोलते हैं, उनके धन को बोलते हैं, स्थिरता को बोलते हैं, समृद्धि को बोलते हैं, शिक्षा को बोलते हैं, स्कूल की शिक्षा, परिवार को बोलते हैं, कुटुंब को बोलते हैं। तो मंगल की दृष्टि ऐसी होगी सिंह राशि पर जाने के बाद, मंगल चाहेगा कि किसी तरह से झंझट खड़ा करके भारतवर्ष के जितने मित्र हैं उन मित्रों से इनको सेपरेट करा दिया जाए, अलग करा दिया जाए, कुछ ऐसी स्थिति या धुरतई या चालबाजी ये करेंगे जरूर, उससे ये बाज नहीं आएंगे। अब हमारा खुफिया तंत्र, सूचना तंत्र कितना मजबूत है इसके ऊपर निर्भर करेगा कि उनकी चाल निष्प्रभ हो जाएगी, निष्प्रभावी हो जाएगी। मंगल के साथ शनि भी है, तो सेवंथ हाउस में जब शनि रहते हैं तो नेशनल इंटरनेशनल पड़ोसियों के साथ जो संबंध होते हैं इसको ये इंडिकेट करता है। वस्तुतः इसको विदेश नीति बोलते हैं सेवंथ हाउस को। तो यहां पर मंगल बहुत बली है, शनि भी बहुत बली है, मंगल शनि की भी युति बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, इसलिए कि दो विरोधी कैंप के लोग हैं ये। शनि विरोधी कैंप के हैं मंगल के, और मंगल शनि के विरोधी कैंप के हैं। ये लाचारी है कि मंगल को शनि के ऊपर में कुछ उपकार करना पड़ रहा है, गुरु गुरु के ऊपर में शनि को कुछ उपकार करना पड़ रहा है, और मंगल वहां पर न्यूट्रल है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं गुरु को। तो शनि के कृपा से, शनि के स्वग्रही होने के कारण गुरु का नीच भंग राजयोग हो जा रहा है। द सैटर्न इज ओबलाइजिंग जुपिटर, सो ये जुपिटर हमारी संपूर्ण शक्ति है, शनि भी इस जुपिटर को मदद करेंगे। शनि का मतलब होता है आम पब्लिक, आम जनता। जैसे किसी भी आदमी के कुंडली में यदि शनि मजबूत नहीं है जो आम जनता की रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट है, और सूरज मजबूत नहीं है, सूरज गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो आदमी सपना देखता रह जाएगा, कभी एमएलए एमपी प्रधानमंत्री मंत्री राष्ट्रपति कुछ भी नहीं बन पाएगा। शनि हैज टू बी वेरी स्ट्रांग एंड सन हैज टू बी वेरी स्ट्रांग फॉर पॉलिटिकल पर्सन सो दैट योर एम्बिशन इज फुलफिल्ड। जब ये दोनों कमजोर हैं तो बेकार अपने घर का पैसा मत खर्चा करो, कुछ नहीं होने वाला है, सर पटक लो।
यू कैन बी ए किंग मेकर बट यू कैनॉट बी किंग, यू कैनॉट बी किंग। सो उसी तरह से यहां पर गुरु और शनि और मंगल ये बहुत अच्छी बात तो नहीं बोल रहे हैं। लाख बड़ाई कर लीजिए, गुरु का नीच भंग राजयोग हो गया, शनि सो रही हैं, ये दोनों काल अपने आप में बल है, उच्च के शनि है अपने आप में बल है, बहुत सारे पड़ोसी, बहुत सारे पार्टनर्स, जो हमारे पार्टनर हैं, चाहे वो डिफेंस के डील के लिए पार्टनर हैं, चाहे सोसाइटी के लिए पार्टनर हैं, या प्रोडक्शन में पार्टनर हैं, जिन किन प्रकार पार्टनर्स हैं, उनके हृदय में कुछ संदेह पैदा होगा भारतवर्ष के प्रति, और ये संदेह पैदा कराने वाला व्यक्ति मंगल होगा जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब मंगल 10 नंबर में जाता है तो उच्च होता है, और 10 नंबर चाइना का भी राशि है, भारतवर्ष का भी राशि है। तो जब मंगल 10 नंबर में रहेंगे, जो मई तक ही है, कुछ ही मई तक है, 15 मई तक है, तब तक कहीं न कहीं चीन और पाकिस्तान मिलकर के क्या करेंगे मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ अच्छा तो नहीं करेंगे भारतवर्ष के लिए। तो सत्यमेव जयते, गुरु का बल तो 300% है, भर्गोत्तम है, मूल त्रिकोण में है, केतु है जो 4 times मल्टीप्लाई कर रहा है। केतु इज अ फैक्टर जो किसी ग्रह के साथ रहता है तो उसको चौगुना भी बढ़ा देता है, ये ध्यान रखिएगा। केतु नाना जी को भी बोलते हैं, नाना जी को तो भारत माता, भारत माता के परिवार, तो नाना या नानी और फीमेल। तो भारतवर्ष के लिए इस बार नए साल में फीमेल्स विल गेट मोर प्रोमिनेंसी, औरतों की कुछ तरक्की होगी, सही हो या गलत हो ये मैंने कहा, लेकिन ऊपर उठने के उनके मार्ग प्रशस्त हैं इस वर्ष, क्योंकि लग्नेश भी चंद्रमा है, ये भी फीमेल है, और यहां से 7th हाउस में शनि एनांच प्लैनेट है, गुरु के साथ है, और शुक्र 1 नंबर में है, 10th हाउस में है, एट द बिगनिंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द न्यू ईयर। तो फीमेल के लिए भी कोई अच्छी घटना घटेगी, औरतों के लिए भी कुछ अच्छी घटना घटेगी। अब ये तो मैंने सिर्फ आपको दो घर के बारे में, फाइनेंस ऑफ इंडिया एंड लग्ना नए साल के हिसाब से हमने बताया, लेकिन एक दो चीज और जान लीजिए, जानने की चीज है। जैसे आप लड़का लड़की की कुंडली मिला रहे हो और आपको 36 का 36 गुना मिल गया, अब इससे और बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन लड़के की कुंडली का जो लगन है वो लड़की के कुंडली में वो नंबर अष्टम भाव में आ गया है। लड़के के लगन का जो नंबर है वो लड़की के कुंडली में अष्टम भाव में आ गया है, तो ये मैरिज कभी नहीं टिकेगी, चाहे 36 गुना हो, चाहे 38 गुना हो, चाहे कुछ भी हो, नहीं टिकेगी। या लड़की का अष्टम भाव लड़के के लग्न में पहुंच गया हो, जो लड़की का अष्टम भाव है वो लड़के के कुंडली में लग्नेश है, या लड़के की कुंडली का जो षष्टम भाव है वो लड़की की कुंडली में लग्नेश है। कहने का मतलब गुना तो उन दिनों इजाद किया गया था जब बाल विवाह होते थे, अष्टवर्षे भवेत गौरी,
तो चलिए नौ ग्रह का नौ ग्रह नहीं मिलाएंगे तो कम से कम चंद्रमा का चंद्रमा मिला लो, तो मेंटल स्टेबिलिटी समझ पाओगे, जब बच्चे बड़े होंगे तो ठीक ठाक रहेगा। अभी मून से मून को मिला करके हम लोग गणित देखते हैं कि कितना गुना बना, 24, 26, 28, 32, 34, 36 कुछ भी बना, मेंटल स्टेट देखते हैं। तो लगना से लगना को भी मिलाना चाहिए, दिस इज अ फिजिकल अट्रैक्शन इन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। जरा मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा, रूल एक बनता है उसका उपयोग बहुत होता है। राम गोस एक सेंटेंस है, उनके बाद वर्ब है और ईएस लगा है गोज में, तो असंख्य हो सकते हैं ना, राम गोज, मोहन गोज, श्याम गोज, हरि गोज, जैक्सन गोज, करते करते तो आई कैन राइट क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ लाइंस एक ही रूल का। ठीक उसी तरह से चंद्रमा से चंद्रमा का मैच करते, मेंटल लेवल की मैच होती है, थोड़े बहुत फाइनेंशियल स्टेटस की भी मैच होती है। उसी तरह से लड़के का लगना लॉर्ड और लड़की का लगना लॉर्ड दोनों को भी मैच कराना चाहिए, उसको भी टेबल में देख लो ना यार, टेबुलर फॉर्म में कितना मैच कर रहा है। लगना लॉर्ड जिस नक्षत्र में है लड़के का, लड़की का लगना लॉर्ड जिस नक्षत्र में है, दोनों को मैच करा लो और कितने पॉइंट आए। यदि पॉइंट कम है, 16, 14, 12 है या 18-20 भी हैं, तो मेल फीमेल में पर्सनल फिजिकल अट्रैक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, ये एक रूल हमने बताया आपको, इसको समझिए, यूज कीजिए और यूज करके देखिए ना, आप अपने परिवार में ही इसको मिला के देख लीजिए कितना सच है कितना झूठ है। मैं जो बोल रहा हूँ ना उसमें आपको मालूम हो जाएगा, दिस इज अ गोल्डन रूल, गोल्डन से भी ऊपर का प्लेटिनम रूल है ये, एंड इट इज नेवर बीन यूटिलाइज्ड बाय एनी विद्वान एस्ट्रोलॉजर्स। तो भारतवर्ष का जो ओरिजिनल इंडिपेंडेंस डे में जो लगन था वो दो, और नए साल में ये दो नंबर भारतवर्ष के एकादश स्थान में आ गया, इनकम हाउस में आ गया, गेन हाउस में आ गया। तो भारतवर्ष का स्टेटस जो भी हो, बीमारी का स्टेटस जो भी हो, प्रॉब्लम जो भी हो, वर्ल्ड वाइज प्रॉब्लम जो भी हो, भारतवर्ष की इनकम बढ़ेंगे, ये सत्य है। बिकॉज द लग्न ऑफ भारतवर्ष हैज कम इनटू द इनकम जोन ऑफ न्यू, नए साल के कुंडली में, और उसमें भी स्ट्रेंथ है 31। तो नया वर्ष भारत वर्ष के लिए शुभ होगा फाइनेंशियली, ये सत्य है, सत्य है, सत्य ही है। सर आई एम नॉट बार्किंग लाइक ए डॉग, आई एम टेलिंग यू द रूल। ठीक उसी तरह से ये हमारा जो नए वर्ष का लग्न है भारत वर्ष के थर्ड हाउस में आता है, पराक्रम, पर्सनैलिटी, उपचय, धन, और इसमें चार चार ग्रह हैं पहले से, सूरज, चंद्रमा, बुध, शनि और शुक्र, पांच ग्रह हैं। तो ये नए साल का जो लग्न का जो नंबर है, चार नंबर जो लग्नेश है, वो भारत वर्ष के फोर्थ हाउस में आ गया। तो नए साल में भारत वर्ष का पराक्रम का झंडा फहराएगा, डेवलपमेंट होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होंगे, दिस डेवलपमेंट विल बी मोर टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर से कुछ तो मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, पराक्रम बढ़ेगा भारतवर्ष का। जो भी शत्रु हमारे साथ टकराएगा वो सही माने में उस नारे के हिसाब से वो चूर चूर हो जाएगा। लेकिन ये पराक्रम है, इसमें सूरज, चंद्रमा, बुध और शनि है, तो जैसा हमने कहा कि इस वर्ष कुछ उपलब्धि होगी भारतवर्ष को, विशेष उपलब्धि होगी। तो हमने एक सिस्टम बताया है आपको, हाउ टू सी, कैसे आप मिलाएंगे। जैसे भारतवर्ष की मृत्यु का जो
अंक है 11 नंबर, हमारे भारतवर्ष जो ओरिजिनल स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, उसमें ये 10th हाउस में लिखा हुआ है। तो भारतवर्ष के जो नया साल की जो कुंडली है उसमें मृत्यु का नंबर 11 है और उसमें वर्गोत्तम बुध है। बुध बच्चों को बोलते हैं, प्लेयर्स को बोलते हैं, खिलाड़ियों को बोलते हैं। तो भारतवर्ष के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत कुछ नाम कमाएंगे। 10th हाउस में है, कर्म स्थान में है, तो बच्चे बहुत कुछ करेंगे, चाहे वो खिलाड़ी हो। जो विद्यार्थी हैं, इवन स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस, दे कैन क्रिएट समथिंग। अब कुंभ राशि वायु को बोलते हैं, एयर को बोलते हैं, तो मौसम से संबंधित, वायरस से संबंधित, कृमि से संबंधित बहुत सारा रिसर्च करेंगे, जो भारतवर्ष की ख्याति हो जाएगी। और समुद्र के किनारे ये समुद्र है, 11 नंबर जो है ये समुद्र को इंडिकेट करता है। 8th हाउस एंड 12th हाउस ये समुद्र को कहते हैं। 8th हाउस जो है वो भारतवर्ष के सीमा से सटे हुए जो समुद्र हैं वो 8th हाउस होते हैं, और 12th हाउस है इस समुद्र का जो दूसरा छोर है, जो यूरोपियन कंट्रीज में खुलता है, उस छोर को कहते हैं। तो भारतवर्ष के छोर में जो समुद्र है, वहां पर जो शहर है और जो पॉपुलेशन वहां कम है, डेंस पॉपुलेशन नहीं है, वो जगह सिर्फ शिक्षा जगत के लिए प्रसिद्ध है। वहां से शिक्षाविद लोगों के जरिए कुछ भी नई चीज उत्पन्न होगी। अब ये मृत्यु का तो घर है, तो मृत्यु को रोकने के लिए कुछ होगी। अब मृत्यु सबसे भयावह होती है कैंसर में या कुछ ऐसे रोग जो अबुझ पहली की ऐसी बनी हुई है, या जो वायरस है। तो ये लोग कुछ करेंगे। और 11 नंबर वेस्ट को बोलते हैं, इट इज वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, गुजरात से लेकर के बॉम्बे और नीचे तक और उतरिए, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में भी बेंगलोर, बेंगलुरु इस क्षेत्र में कुछ बड़ी घटना घटनी है, बड़ी बात होनी है। तो ज्यादा नहीं बोल करके आज मैं यहीं तक बोल रहा हूँ, और यहाँ मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ना घबराएं, गवर्नमेंट के साथ कदम कदम पर चले आप, बिल्कुल गवर्नमेंट के कदम पर चलिए, मानिए इंस्ट्रक्शन को। हम लोग एक नंबर के राष्ट्र हो जाएंगे, हम लोग एक नंबर के राष्ट्र हो जाएंगे, ये सत्य है। हमारी जो पॉपुलेशन है 130 करोड़, तो 260 करोड़ तो हैंड्स है, उतने ही ब्रेन है, उतनी आंखें हैं, दुगुनी उतनी आंखें हैं, इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। यही मौका है। ये प्रमादी संवत्सर में 2077 में भारतवर्ष